और इसी के साथ और सामने पे है हीरा नो नो पहली बॉल यानी बाउंड 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 और ये सर्किट के बाहर पहली हाथ खोलने के लिए मौका है यहाँ पर हीरा के पास और ये यहाँ पर भी झलकता जाता हुआ यहाँ पर हीरा को लगा बाजू काफी चुस्ती के साथ सेलिंग करते हुए कोई रन नहीं 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 कनेक्शन वाइट वाइट पल्लू शॉट लगा के साथ सहे सहे जा पहुंचता हुआ नौ रन पर इसे डीसी देखने के लिए आते हैं पर अच्छी कमबैक करते हुए यहां पर जो है ना रन 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 लीग सामने पे है साहिब इसे बल कैसे खेलते हैं यहां पर खतरा हो रहा है हाय 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 नॉन लेना चाह रहे थे हीरा मने के ऊपर साहिब और दो गेंद बाकी है जोहर की किसी के हैं भाई किसी के हैं जान और किसी के हैं बाबू सोना वो है साहिल खान इसे भी जमा के मारे हैं देखा जाए वहां पर चाहिए तैनात जो भी दर्शक रहे हैं और हमारे असिस्टेंट के पास से अपना 20 रुपया असिस्टेंट के पास से आकर 20 रुपया ले जाए वाट ए यानी किस बात पहली गेम के बंदान मिला था हीरा को और आखिरी गेम के साहिल को यहाँ पर किस्मत यानी माँ की दुआ कभी कभी खाली नहीं जाती अब जाहिर तो साहिल इसे भी हल्का से खेले थे कोई रन नहीं एक अच्छी शुरुआत यानी 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 पहली गेंद सामने पे है साहिल इसे भी हम उठा के मारे हैं लॉन्ग ऑफ पे 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 लॉन्ग ऑफ पे देखा जाए फिर से फिर से इसे मतदान मिलता हुआ और इसे पीछे रहते हुए फिर यानी किस्मत सामने आप अपने नाम ही लिख के आए हैं यहाँ पर साहिल और एक अच्छी बार जो कि मोई बाउंड्री लाइन के बाहर है अच्छी फील्डिंग साइड से द्वारा यह खतरा हो चुका था एक अच्छी थोड़ी सी इंजन बन गई है साहिल जो कि बल्लेबाजी पे जब बात की थी बहुत ही अच्छी थी व्हाट अ शॉट पॉइंट एंड कवर के हिसाब पे लगाते हुए गली के हिसाब पे हीरा गिरा ले से चलता हुआ यहां पर पहला चौका और चौका हुआ अब जाहिद की अगली गेंद सामने पे है हीरा एक
आप चाहिए 36 गेंद की 91 यानी कल के रन की जरूरत पड़ेगी निजाम बिजनेस को अगर इसमें से जीत दर्ज करना है। 36 फिर की गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। 70 गेंद की पर उसका फायदा नहीं उठा पाया बच्चुलू जो कि एमडी कैप या मोहम्मद कैप के रूप में जाने जाते हैं। अगली गेंद सामने पे है जुल्लू इसे भी सीधे हाथ खेले हैं। एक एक के साथ संतुष्ट होने पड़ेगा यहाँ पर जुल्लू को। कैप की अगली गेंद सामने पे है हीरा लग सबसे काफी बाहर फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर। कैप की अगली गेंद सामने पे है हीरा अच्छी शुरुआत फिर से अच्छी गेंद डालती हुई है पर एमडी कैप। कैप की अगली गेंद सामने पे है हीरा और एक शानदार चौका लगाते हुए स्विच के ऊपर से खेलते हुए इसी तरह के प्रयास करने होंगे और चौका को दबाता हुआ 42 इसे भी उठा के मारा है। देखा जाए कि ये प्रयास तैनात हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ निजाम इंडियंस के हीरा के रूप में जो कि 16 गेंद के अंदर 15 रन बनाकर 14 रन कर ले जाते हुए अब उनके स्थान पे हैं जो कि तीर करता रहता यानी अधिनायक साथी निजाम इंडियंस की ओर से जो कि ब्लाइंड शॉट खेलने में तो माहिर है आज तो जरूर भी है ब्लाइंड लाइन पे है वो एक फिर की गेंदबाज कैप कैच की जोरदार अपील अपने से नकारा अभी भी पेंडिंग रखे हैं शायद फाइनल डिसीजन अब थोड़े थोड़े प्लेयर हैं समझना होगा अब का डिसीजन इज फाइनल डिसीजन इसे भी दिमाग मारे हैं देखा जाए जरूर देना दो छक्का यानी बड़ी मछली को फंसाते हुए जाही जुमुक रुक गई अब प्रेशर बढ़ता हुआ निजाम इंडियंस के ऊपर देखिए पिछला गेंद पे छक्का लगाए थे एसोसिएशन की ओर से काफी लंबा ही था तो 20 रुपए का इनाम भी गोली गोल पर इसे भी घुमा के मारे हैं जी रियाज तैनात और एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज और रहता हुआ 49 जो कि अच्छी गेंद डालते हुए हमारे पास आप करते हुए यहाँ पर ये भी गोले गोले यानी बिना खाता खोले खोले जाते हुए जो कि बिना खाता खोले मैच में जीपीएस जो कि सोरो म्युनिसिपैलिटी चार पर्सन मिस्टर पादो धरा एक शानदार शॉट लगाते हुए बोलू को बल्ले सामने पे है बोलू थोड़ी सी
घुमा घुमा रहे हैं सादा रॉपर फिंगर तैनात एक के साथ साथ एक के साथ साथ इसको जा पहुंचता हुआ 55 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
सिली घुमा के मारे वहां पर रियाज का ना ना और एक लोग चुराते हुए दो नई बल्लेबाज 17 रन बनाकर बीच में मौजूद है भोलू कैप की अगली गेंद सामने पे है सादाब सादाब चक्का लगाते हुए यहां पर किसी की किया था इसे भी सीधे आते घुमा के मारे हैं वहां पर फील्डर मुजाहिद तैनात और एक के साथ संतुष्ट होने पड़ेगा सात गेंद पर समाप्ति के बाद बड़े स्कोर है 61 रन पर जीत के लिए चाहिए 18 गेंद पे 65 रन यानी पर ओवर 21.67 21 रन पर ओवर बनाने पड़ेंगे आठवां ओवर अपने कोटे की पहली ओवर लेके आते हुए यहां पर छोटू और सामने पे है सादा छोटू की अपनी गेंद सामने पे है सादा फील्डिंग गेंद अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पर रियाज के द्वारा कोई रन नहीं फिर से डॉट 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 छक्के चौके मारने पड़ेंगे एक दो से कोई काम नहीं चलेगा इसी बीच रियाज के लिए कोई रन नहीं फिर से एक डॉट विकेट के बल्लेबाजी और मिस थोड़ी सी मिस की और निकलता हुआ बाई के तौर पर बोनस मिलता हुआ यहां पर निजाम इंडियंस को अब छोटू की अगली गेंद सामने पे है छत्तीस रन का लक्ष्य है 1-2-6 अब तक बना है 6-5 ओ कैच अपने फॉलो थ्रो पे रन आउट हो सकते हैं बोलो और आउट रन आउट खतर कर दिया जाना पड़ेगा यहां पर बोलो को यानी 65 रन पर छट्टा छट्टा लगना हुआ जो कि साई इसी इसी काजी मोहल्ले के तमाम जो कि बालेश्वर से आते हैं यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं छोटू की अगली गेंद अब स्टंप से काफी बाहर अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त मिलता हुआ यहाँ पर निजाम इंडियंस को अब उनके नए बल्लेबाज हैं अब टू व्हाट अ शॉट फास्ट स्लिप पे लगाते हुए चौका किस गुरु को के लिए और इसी चौके के जहां पे नरेश को जा पहुंचता हुआ 70 रन लेकिन सामने पे है आपको व्हाट अ शॉट कवर के साथ लगाते हुए एक शॉट लगाते हुए आपको 74 अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंद पे लेके आते हुए अपनी कोटे को दूसरी ओवर कोई रियाज खान सामने एक अच्छी गेंद डालते हुए ये पर रियाज इसे भी जो मारने के प्रयास अंदर मुजाहिद तैनात और एक इसी बीच में क्रॉस चुराते हुए और इसी के साथ नरेश को जा पहुंचता हुआ 75 पर काफी अच्छी गेंदबाजी किंग 11 किंग्स 11 पारमला की ओर से गेंदबाज करते हुए अब रियाज की अगली गेंद सामने पे है आपको फिर से अच्छी फील्डिंग था मैच पे लगा यहां पर खतरा हो रहा था थ्रो डायरेक्ट कोई रन नहीं फिर से
इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद रन स्कोर जा पहुंचता हुआ 75 आई मैच तो पहुंचा विकेट को कर फिर से अपने आप से काफी बाहर मकुल के दिखे सादा फिर से समझ नहीं पा रहे हैं काफी अच्छी बॉल घूमती हुई से काफी बाहर अंपायर का इशारा वाइड और डायरेक्ट हिट लगता हुआ और रन आउट होते हुए यहां पर सादा पहले जाते हुए और से यहां पर चेतावनी कल कप्तान से रिजल्ट यानी सू काफी शॉर्ट गेंद का फायदा नहीं उठा पाया यहां पर अब और एक रन के साथ संतुष्ट होते हुए सारे चारों टीम के ऑनर से भी और योद्धा कप्तान से भी व्हाट अ शॉट और एक छक्का लगाते हुए आते हैं अब सामने पे है वही अब फिर से रिवर्सिव पाने के प्रयास व्हाइट की मांग थी अंपायर ने से नकारा थोड़ी सी बॉल घूमती हुई और एक रन थोड़ा सा निराश अब मकुल के अगले गेंद सामने में है आपको और एक चौका निकालता हुआ आपू के बल्ले से और इसी के साथ यहां पर जो दस करती हुई किंग्स इलेवन पर मोहल्ला इस मैच की विजेता करते हुए किंग्स इलेवन पर मोहल्ला और